हेलो दोस्तों मैं हूं अभिषेक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड यूट्यूब पर प्रॉफिट के वीडियो देख देख के आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कचरा भर चुका है आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे प्रॉफिट दिखा के पोल्ट्री की सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखाई जाती है लेकिन उसकी एक निगेटिव साइड भी होती है तो ये दोनों भी साइड के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो का अंत तक पूरा देखेगा जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी नई पोल्ट्री फार्मर होती है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेगा तो सबसे पहले हम निगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं निगेटिव पॉइंट में सबसे नंबर वन पॉइंट पोल्ट्री स्टेबल बिजनेस नहीं है भैया हाँ जी स्टेबल बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है जो रेट आपको आज मिल रहा है जो प्रॉफिट आपको आज मिल रहा है जरूरी नहीं कि वो आपको कल भी मिलेगा एक दिन में दो दिन में हफ्ते भर में इसके रेट चेंज होते रहते हो चाहे फिर वो ब्रॉयलर हो चाहे फिर वो गारन हो तो इसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है तो स्टेबल बिजनेस की आप इसमें से उम्मीद निकाल दो ठीक है ना पॉइंट नंबर दो हाई लेवल का रिक्स है भैया जी हाँ लाइव स्टॉक का बिजनेस करते हो कोई भी तो उसमें हाई लेवल की रिक्स ज़रूर होती है भले ही शॉर्ट टर्म का बिजनेस जरूर हो पैंतीस चालीस दिनों में आपका माल सेल आउट हो चुका हो लेकिन रिक्स तो है रिस्क तो बहुत ही ज़्यादा है भैया जिसका लॉ जिसको लॉस होता है वही उस सिचुएशन को समझ पाता है पॉइंट नंबर तीन लाखों में इन्वेस्टमेंट जब पोल्ट्री फार्मर करता है तो मुझे पता नहीं क्यों गवर्नमेंट किसी भी पोल्ट्री फार्मर को किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करा पाती हमारा बिजनेस तो कपड़े का या फिर लोहे का तो नहीं है कि भैया पाँच साल तक के हम वो चीज़ के के उस चीज़ को स्टॉक करके रख सकते हैं या फिर पाँच साल के बाद भी उस चीज को बेच के पैसा कमा सकते हैं ये लाइफ स्टॉक का बिजनेस है तो किसी ना किसी प्रकार के तो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना होता ना गवर्नमेंट को लेकिन किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं किया है जब कभी भी किसी पोल्ट्री भाई को वायरल डिजीज की वजह से किसी भी प्रकार के डिजीज की वजह से उसको लॉस होता है ना सिर्फ और सिर्फ उसी पोल्ट्री भाइयों को उसका दर्द बहुत ही गहराई से पता होता है अभी हाल ही फिलहाल में लॉकडाउन की सिचुएशन देखिए ना बीस बीस तीस तीस रुपये में मुर्गी मांग रहे थी डीलर लोग तो उन पर क्या बीत रही होगी किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस किसी भी प्रकार का मुआवजा पोल्ट्री फार्म का किसी प्रकार से गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा रही है तो ये बहुत ही बड़ी निगेटिव पॉइंट है पोल्ट्री फार्मिंग के पॉइंट नंबर चार कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से काफी हद तक के पहले के मुकाबले दो तीन साल के मुकाबले अभी बहुत ही रेट कम मिल रहा है और बहुत ही प्रॉफिट कम निकाल पा रहे हैं आज के प्रेजेंट डे में पोल्ट्री फार्मर भाई लोग जी हाँ दोस्तों और सबसे बड़ी खामी अगर इससे भी बड़ी खामी की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन मुर्गी का प्रोडक्शन भाई हम कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मर और इसका रेट कौन तय कर रहा है लेने वाला डीलर या फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ रेट तय कर रही है भाई हमको पता है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है अगर हमारी गवर्नमेंट की प्रोडक्शन कॉस्ट 140 है तो हम 160 170 में बेचेंगे अगर हमारी एक किलो ब्रॉयलर की प्रोडक्शन कॉस्ट सत्तर रुपये तो हम अस्सी रुपये पच्चीस रुपये में बेचेंगे हमें किसी भी प्रकार की उसकी अथॉरिटी नहीं दी जा रही है ठीक है ना तो यह सबसे बड़ी खौमी यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग में भी है पॉइंट नंबर पाँच जो पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है और आप भी इसके बारे में थोड़ा गौर से जरूर विचार कीजिएगा हमारे पोल्ट्री भाइयों की किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ यूनिटी नहीं है चाहे फिर वो ऑटो रिक्शा चालक हो या फिर किसी प्रकार का गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज हैं जिनकी खुद की कामगार लोगों की भी अपनी खुद की एक यूनिटी संगठना होती है लेकिन हमारी पोल्ट्री भाइयों की किसी भी प्रकार की यूनिटी नहीं है कि भैया हम रेट नहीं छोड़ेंगे मतलब नहीं छोड़ेंगे अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को पगार अगर कम मिलता है तो वो आंदोलन करना चालू कर देती कि हमारा पगार बढ़ाओ लेकिन इस प्रकार की किसी भी प्रकार की यूनिटी हमारे पोल्ट्री भाइयों में नहीं है लेकिन हाँ पोल्ट्री में ही जो हैचरी वाले होते हैं अगर भैया इनको चीज़ का रेट अगर कम मिला तो ये एक एक महीना तक दो दो महीने तक तो इनकी यूनिटी है जिसके कारण ये पूरी हैचरीज बंद रख देते हैं ताकि अपने मन मुताबिक चीज़ का रेट बढ़ा बढ़ा के बेच सके लेकिन हमारे पोल्ट्री भाई अंधे हो गए वो चिक्स जितना महंगा बेचते हैं हम उतने महंगे में चिक्स लेते हैं और जितने रेट कम गिरा के डीलर लोग हमसे मुर्गा मुर्गी मांगते हैं उतने कम रेट में हम उसको दे भी देते हैं भले चाहे कितना भी लॉस हो भाई थोड़ा तो सोचो यूनिटी बनाओ यूनिटी के बगैर पोल्ट्री में सक्सेस होने के चांसेस हर एक पोल्ट्री फार्मर के बहुत ही कम हैं तो ये हो गई कुछ निगेटिव पॉइंट्स अभी थोड़े बहुत इसके पॉजिटिव बातें भी आपको बता देता हूँ सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट शॉर्ट टर्म का बिजनेस है जिसके वजह से आप कम समय में थोड़ा बहुत अच्छी अगर सब बातें आपके जुड़ के आई मोटिलिटी अगर कम हुई प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम आई और आपको सेलिंग रेट अच्छा खासा मिला तो शॉर्ट टर्म में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो पॉइंट नंबर दो मार्केट की अवेलेबिलिटी बाकी बिजनेस के मुकाबले काफ़ी अच्छी है अगर हम कंपेयर करें गोड फार्म डेयरी फार्म या फिर किसी भी अन्य प्रकार के बिजनेस से तो मार्केट की अवेलेबिलिटी आप अच्छे से मिल जाती है आपको काफ़ी अच्छे से आप इसका माल सेल आउट कर सकते हो पॉइंट नंबर तीन बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप सौ दो सौ मुर्गे से भी इसका स्टार्टअप कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको पाँच लाख दस लाख स्टार्टिंग में ही लगाना पड़े अगर आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो थोड़ी बहुत अगर आपके पास जगह है या फिर कोई सौ डेढ़ सौ स्क्वेयर फीट के आपके पास रूम जैसा है जहाँ पर वेंटिलेशन थोड़ी बहुत होती हो तो आप स्टार्टिंग बेसिस पे वहाँ पर कर सकते हो पॉइंट नंबर चार स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज से आप पोल्ट्री स्टार्टिंग कर सकते हो आपको रॉकेट साइंस लेने की जरूरत नहीं है रॉकेट साइंस पूरा का पूरा मालूम करके बिजनेस में उतरने की जरूरत नहीं है बेसिक से चीज़ें ब्रीडिंग मैनेजमेंट लीटर मैनेजमेंट बी मैनेजमेंट थोड़ी बहुत आपको अगर पता है तो आप स्टार्टिंग बेसिस पर सौ डेढ़ सौ दो सौ मुर्गे से आप स्टार्टअप कर सकते हो पॉइंट नंबर पाँच और सबसे मेन पॉइंट है जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसका बिजनेस का अगर आप खुद का फीड बनाते हो तो भैया आपका हाथ धरने वाला आपको प्रॉफिट कमाने से रोकने वाला इस बिजनेस में कोई भी नहीं है क्योंकि आज के सिचुएशन में प्रेजेंट डे में आपको भी पता है कि पोल्ट्री के रेट काफी हद तक बढ़ चुके हैं जो पोल्ट्री भाई भले आपकी मुर्गियों की संख्या कितने भी कम क्यों ना हो पाँच सौ हजार तीन सौ दो सौ अगर आप खुद का फीड का मैन्युफैक्चरिंग किसी ना किसी से प्रकार से अरेंज करा पाते हो तो आप हमका फ्यूचर में भी और अभी भी हर एक ब्रॉड में प्रॉफिट कमाने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे दोस्तों जिस प्रकार आपने इस चैनल पर मुझे सपोर्ट किया है सब्सक्राइब किया है उसी तरह मेरा एक और भी चैनल है अभिषेक मोरले करके उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही साथ आई बटन में भी दिया हुआ है तो इसी चैनल के हिसाब से आप उस चैनल पर जाकर भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए आपका सपोर्ट मुझे उस चैनल पर भी दीजिए इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू